बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम जो है आपका हो रहा है क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, इससे पहले हमने सेट भी अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, आपके ज़िले में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आने वाली आपके लेटेस्ट अपडेट वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा जो सब यूट्यूब चैनल का बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए, क्योंकि ठीक है जितने भी वीडियो हैं उससे आपको काफ़ी सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले आपका जो रीडिंग है, इसमें आपको क्या करना है, एक पैसेज को पढ़ना है। जो पैसेज आपको दिया हुआ ये पैसेज है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी थोड़ा आपको बढ़ा लेना है, तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे और इसको पूरा का पूरा देख लेंगे। ठीक है, देखते चलिएगा आराम से। नीचे जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर भी देना है, तो इसको आप लोग नीचे देखते चलेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा है कि द ऑथर अप्रेंटली थिंक्स दैट पिपीज आर, तो आपको बताना है विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द फॉर द वर्ल्ड वी हैव एज एप्लीकेबल टू दिस पैसेज, तो क्या हो जाएगा वो आपको बता देना है। और इस वीडियो को ठीक है सभी तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, सब लोगों तक, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको जरूर शेयर कर दीजिएगा। द अबव पैसेज स्पीक ऑफ विच ऑफ द पैसेज इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर रिलैक्स, इन द अबव पैसेज द फ्रेज ऑन द अदर हैंड हैज बीन यूज टू, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं आपका। यह मैंने पहला देखा, दूसरा, ठीक है। तो यहाँ का जो एक पेज है, चलिए यहाँ से हम लोग सीधे तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, इसको आप लोग क्या क्या पैसेज रेडी करना है वो आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, इसके बारे में, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है और उसको न्यूज़पेपर में क्या करना है, न्यूज़ लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे आपको एक पोस्टर बनाना है, किसका, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के बारे में। अब यहाँ पे आप क्या हैं, सोमंत सक्सेना है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक न्यूज़पेपर में इन्फॉर्म करना है कि आप स्टेटरी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी की जो कंडीशन है उसको आपको न्यूज़पेपर में छपवाना है। अब आप अजय दुबे हैं, इन्वाइटेड टू दुर्गा कॉलोनी गुना, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग सजेशन अबाउट द प्रिपेयर फॉर नीट, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको किसी एक विषय पे वैल्यू ऑफ गेम्स पे ये लिखना है, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट पैसेज आपको लिख लेना है, यहाँ पे आपको थॉट हीज रीच टू, ये आप कर लेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डू इज डायरेक्टेड है तो इसे भी आप लोग कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, टेक्स्ट बुक का आपको पैसेज जो है वो रेडी कर लेना है। ठीक है, ये बाई एम सी पुल वाला, हु इज आई इन द अबव लाइन्स, पूरा का पूरा, व्हाट डज द वर्ड ट्रेचरस मीन्स, हाउ वाज बाई एम सी पुल सफर, पूरा का पूरा इसको रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का एक आंसर देना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से, राइट, इसको आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आपका है, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लेंगे रेडी पूरा का पूरा। यहाँ पे आपका ये, अब ये आपका बी है, ठीक है, इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे अथर कौन सा है टेक्स्ट का वो आपको बताना है, यहाँ पे टाइगर किंग बॉट आप पूरा का पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है,
क्वेश्चन में से कोई पांच करना है, यानी फाइव, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिए इनमें से एनी फाइव आपको करना है, कर लेना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन इलेवन है, जिनमें से आपको कोई तीन करना है चार में से। चलिए क्वेश्चन ट्वेल्व की ओर देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्वेल्व है, इनमें से कोई दो करना है आपका, दो नंबर का है, दो करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थर्टीन है, जिनमें आपको तीन नंबर का है, कोई दो करना है, ठीक है, छः नंबर का तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसका, थिंग ऑफ ब्यूटी का। अगला क्या है आपका, कीपिंग क्वाइट का लिखना है। क्वेश्चन फिफ्टीन क्या आपका, कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम स्केप ऑफ चार्ली, वाई, हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, हाउ वॉज ही एबिट अबाउट द डेंजर, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा आप लोग क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।